पद्मावत रचना है। तो पद्मावत रचना किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला इशामी की, बी है जायसी की, सी है मीर खुसरो की और डी है वर्णी की। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और वो क्या है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, रानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है, जो राव रतन सिंह की रानी थी। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। और ये जो रचना है कि कौन से सन में की गई थी, सन 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके अंदर रानी पद्मिनी की सौंदर्यता और रानी पद्मिनी के बारे में, रानी पद्मिनी की संपूर्ण कथा इसमें मिलती है। पद्मावत के अंदर रानी पद्मिनी की संपूर्ण कथा हमें इसमें मिलती है पद्मावत के अंदर। और ये किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सन 1540 ईस्वी में की गई थी।